नमस्कार, बड़ों को दिल से नमस्कार और छोटों को हेलो। तो आज आपका भाई जा रहा है ब्लॉग बनाने के लिए। छोटे मंदिर हैं गांव में, छोटे नहीं कह सकता, बड़े भी हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में ही है मंदिर, तो इन मंदिर के बारे में आपको आज बताऊंगा। ये काफी लोगों को पता है और काफी लोगों को नहीं पता। ये काफी अच्छे मंदिर है, जंगल के बीचों बीच में है। इनके साथ ही बॉर्डर भी दिखता है, मतलब जो आर्मी का एरिया होता है, बॉर्डर होता है, वो भी दिखता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये काफी अच्छे मंदिर है। जो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा तो मैं 101% गारंटी से कह रहा हूँ कि आप यहाँ वापस जरूर आओगे। वापस मतलब कि हो सकता है फर्स्ट टाइम आओगे, बट आप जरूर आओगे। एक बार लास्ट तक वीडियो देख लेना। तो एक्चुअली मेरा दोस्त मुझे एक बाइक पे पिक करने आ रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो देखते हैं, जब वो आता है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अभी हमारे पास राजन जी पहुंच चुके हैं। राजन जी वापस जा रहे हो आप हमारे साथ? बिल्कुल, आज हम जा रहे हैं मंगल देवी, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और मंगला माता। मंगल देवी और मंगला माता दोनों हम जा रहे हैं। अच्छा, दोनों रिलीजियस स्पॉट हैं, जगह है सियोड़ की, नहीं सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की। चलो ठीक है, अभी हम एक और फ्रेंड है, वो अभी पंप से तेल डलवा रहा है, अभी हम कर रहे हैं उसका वेट, क्योंकि इसने काफी ज्यादा लेट कर दिया है। ये आता है तो उससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, आ ही गया वो, उससे बात करवाते हैं। तो भाई इस बंदे ने काफी लेट किया हमें, इसको ये आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा, है ना? हाँ ठीक है। तो ये अभी आ गया हमारे पास, ये हमारे शरण जी हैं। सॉरी भैया, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो ये सॉरी मांग रहे हैं भाई, पर आपने काफी ज्यादा लेट कर दिया। और हमारे पास एक जा रही है 220, एक जा रहा है हमारा स्प्लेंडर, और आगे भी हमारे दोस्त है जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबे ना करते हुए, लेट ना होते हुए हम निकलने लगे यहाँ से। तो अभी दोस्तों हम सिंगल रोड से अंदर हो चुके हैं। एक सिंगल रोड थी और ये रोड काफी ज्यादा खराब थी। ये देखो, ये नीचे हाईवे रोड है और हम यहाँ से ऊपर हुए हैं। तो रोड काफी खराब है, ये काफी सिंगल रोड है। रोड थोड़ी मैं कह सकता हूँ, मतलब मीडियम लगा लो, मतलब कि अप डाउन रोड है। थोड़ी खराब, थोड़ी ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ता खराब है। आप आ जा सकते हो, गाड़ी भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख भी सकते हैं गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये अभी हमारे दूसरे दोस्त आ चुके हैं, ये देखो भाई। और भाई बड़ा लेट कर दिया यार आपने। ये हमारे परविंदर जी हैं, परविंदर जी ने लेट नहीं किया, ये हमारे शिवा जी हैं, इन्हें हम क्या ही बोले। अभी ये हमें कह रहे थे लंबेड़ी हैं, कभी कहीं हैं कभी कहीं, अभी हम खड़े हैं नाड़ी रोड में। तो भाई ये देखो भाई, सेक्सी लुक बना के आ रहे हमारे नौजवान यंग लड़के परविंदर जी, क्या बात है भाई। एक परविंदर जी का एक लुक लेना है, वाह यार, क्या है कहे। ठीक है, लेट हो जाएंगे अभी, तो अभी निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है नानी पुल, अभी हम लेट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखा रहा हूँ। ये आ गया भाई लोहे वाला पुल, ठीक है, ये देख लो। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भाई ये नीचे देख रहे हैं आप भाई, यहाँ पे भी एक नीचे मंदिर है। मैं आपको इसको मतलब एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, इस मंदिर के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये देख लो भाई, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि वो चले गए हैं। इसके लिए आपको एक अलग से ब्लॉग बना के दे दूंगा भाई, पर ये देखो लोहे वाला पुल यार, ये हमारे यहाँ ही मिलेगा भाई, हर एक जगह नहीं मिलेगा ये लोहे वाला पुल। और रोड देखो भाई, ऐसे गोल गोल है यार, देख रहे हो भाई, ये रोड पूरी गोल गोल है भाई। मजा आ रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं, मजा सबको आता है, पर किसी को टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता। जो भाई यहाँ नहीं पहुंच सकता, हम उसी के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, वो यही देख के थोड़ी खुशी अपनी जाहिर कर सकता है हमारे साथ, कमेंट्स में बता सकता है उसको कैसा लगा यहाँ का व्यू। और एक बार ये व्यू देखो भाई, बहुत ही मस्त व्यू है यार। हमारे जम्मू कश्मीर में कभी आओ ना भाई, तो अगर यहाँ सब नहीं आए तो मतलब आपका जम्मू कश्मीर में आने का कोई फायदा नहीं हुआ। और ये हमारे अभी राजन भाई जी, एक्चुअली इनकी हेलमेट नहीं है, इनकी हेलमेट टूट चुकी है, वरना ये हेलमेट डाल के ही आते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था हमें हेलमेट नहीं मिली, तो उसके लिए सबको सॉरी बोलेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम पक्का हेलमेट डाल के आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भाई, बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही तगड़े वाला व्यू भाई, बहुत ही तगड़े वाला व्यू। तो अभी काफी लेट हो रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो आपको बताते हैं।
तो अभी हम थोड़ी आगे आ गए हैं, तो हमारे परविंदर जी हमें दिख रहे नहीं है, वो शायद थोड़े पीछे रह गए, इसलिए हम आप वापस थोड़े स्लो हो गए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। और अब राजन जी हमारे साथ हैं। तो इस जगह का नाम है डामरी तालाब, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही पड़ती है। किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो तो भाई मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप लोग, तो मैं आपको पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो अभी हमारे परविंदर जी हमारे पास पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी पीछे रह गए थे, तो अभी हम जा ही रहे हैं। तो भाई मैं आपको अच्छे से बता दिया करूँगा कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। किसी को कोई परेशानी होती है तो वो प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। आपके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर को अच्छे से देख पाए। और ये देखो दोस्तों, गांव का बीचों बीच में दोनों तरफ खेत हैं, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीचों बीच रास्ता बना हुआ जाने के लिए उस मंदिर तक का, जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना भाई, ये यहाँ पे टावर है, आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, मेरा दिखा भी सकता, काफ़ी दूर है। तो ये टावर है, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये आप रास्ता देख सकते हैं, कितना अच्छा रास्ता, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पर आके। हमारे दोस्त की शॉप है यहाँ पे, ये वाली शॉप है हमारे सुखविंदर जी भाई, ये देखो पेड़ों को पानी डालते हुए। तो भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो ये भाई हमारे पेड़ों को पानी डाल रहे हैं। तो ये भाई हमारे यहीं रहते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं परविंदर जी के पास, परविंदर जी के सॉरी सुखविंदर जी के पास, ये हमारे दोस्त है, क्लासमेट है ये मेरे। तो अभी जा रहे हैं हम, यहाँ पे रुके हैं एक दो सेकंड, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारी मौज मस्ती चल रही है इनकी, शिवा और परविंदर की। तो भाई मौज मस्ती चलती ही है, क्या करना, घूमने आओ तो मौज मस्ती ना करो। और भाई इनकी स्पीड देख रहे हो, काफी स्पीड में जा रहे हैं ये तो। तो ये देखो भाई, किसी का छोटा सा डॉगी है ये, काफी क्यूट सा, ये देखो भाई काफी क्यूट सा डॉग है। ये रोड के बीच से साइड किया हमने, तो ये देख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी दूर रहे हैं, सफर हम तय कर रहे हैं, तो आप पास ही पहुंचने वाले हैं, तो पहुंच के आपको देते हैं अपडेट। तो अभी ये चौक पहुंच चुका है, कोई छोटा सा चौक है, मुझे पता नहीं है यहाँ से अंदर होना या नहीं, क्योंकि एक रोड अंदर की तरफ जा रही है। तो अभी हम पूछ रहे हैं इनसे, यहाँ से जाना है अंदर, यहाँ से अंदर होना। तो भाई अभी हम यहाँ से अंदर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वो जा रहे हैं, हमारे राजन भाई हमारे साथ। भाई ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये निशारा बाईपास जगह में से आता है। तो हमारे राजन जी मंच खा रहे हैं, राजन जी को खा लो आप, राजन जी बोल रहे सुबह का ब्रेकफास्ट हम भी खाएंगे। तो ठीक है, आगे जाके देता हूँ मैं आपको अपडेट। तो वहाँ पे पीछे खाना नहीं खा रहा बैठ के, ये चॉकलेट लिए क्या। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, हम वहां पे पहुंच गए, ये सामने किला है, आपको दिख रहा होगा ना, अगर एक पहाड़ी पे किला है ये आपको सामने दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थोड़ी शरण जी थोड़ी सी बाइक स्लो करना बिल्कुल। भाई ये देखो, ये वो किला है, आपको दिख रहा है, अगर अच्छे से दिख रहा होगा भाई, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हो एक कॉर्नर पे खड़ा है, ये कॉर्नर पे खड़ा है एक, भाई काफ़ी अच्छी जगह। मैं आपको नीचे से वापस व्यूज का दिखा दूंगा कि कैसा लगता है देखने में। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तालाब है। और हमारे परविंदर जी, आपने तो अपना मूवमेंट दिखाया अभी तक, और ये हमारे दोस्त परविंदर जी हैं, और ये साथ में हमारे शिवाजी। और परविंदर जी क्या हाल है, अभी तक हैंडशेक नहीं किया क्योंकि परविंदर जी काफ़ी हेलमेट वेलमेट डाल के आए हुए थे। भाई ये मेरे कोच हैं जिम के, आपको ऐसे में बताना चाहता हूँ, ये जिम के कोच हैं मेरे परविंदर जी,
क्योंकि कल ही इनके पास मैंने जिम ज्वाइन की है और ये मेरे कोच हैं भाई, काफ़ी तगड़ी बॉडी है भाई की। चलो इस टॉपिक में मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपको व्यू दिखा देता हूं। ये देखो भाई, ये तालाब है, इसको हम कहते हैं, इसको सुनील क्या बोलते हैं शिवा, इसको बोड़ी का पेड़ कहते हैं ना भाई। ये बोड़ी का पेड़ होता है, हम इस लोग को काफ़ी मानते हैं, सब लोग मानते होंगे, अगर हम मानते हैं तो मानते हैं ना भाई। भाई ये देखो, यहाँ से नीचे का व्यू, चारों तरफ पहाड़ी है भाई, ये देख रहे हो। और ये देखो किला भाई, इस किले के अंदर मंदिर है, ये मंदिर है और ये किला है। तो भाई मैं आपको इस किले की एक चीज बताना चाहता हूँ यहीं बाहर से। भाई मैंने सुना था जब, मतलब कब लड़ाई लगी थी इसको बताओगा परविंदर, कौन सी टाइम लड़ाई लगी तो लोग यहाँ पे आके छुपते थे। सुनील तुझे पता होगा वैसे, पता नहीं भाई कब लगी थी, पर नहीं ऐसा बोल सुनील, सही बात है बोला था ना लोगों ने। नहीं परविंदर ये सच बात है, लोग बोलते हैं यहाँ पे छिपते थे तो ग्रेनेड मतलब यहाँ पर तक नहीं पहुंच पाते जो बम वगैरह फेंकते थे। तो भाई यहाँ से पाकिस्तान, आई थिंक ये वाली जो पहाड़ी है ना, ये पार वाली, ये पाकिस्तान की पहाड़ी है। हाँ तो ये पाकिस्तान की पहाड़ी है। तो भाई यहाँ तक गोले आते थे, और जो ये गाँव के लोग हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये छोटे छोटे गाँव के लोग हैं। तो भाई इस साइड भी है, इन सबका मानना है कि हम सब इस किले में जाके छुप जाते थे, ये जो मंदिर है। तो कोई यहाँ तक आज दिन तक, मतलब कि इसके आसपास काफ़ी गिरे हैं बोलते हैं लोग, पर आज दिन तक ना इसके मतलब अंदर कोई भी ग्रेनेड नहीं जा पाया, कोई गोला वोला जो फेंकते रहे। पर भाई कसम से काफ़ी अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो भाई मतलब कौन सी हाइट पर कितना सही लग रहा है भाई, बहुत तगड़ा। यहाँ पे एक टावर है, ये टीवी टावर है ना, ये भाई टीवी टावर है। यार मौज मस्ती के मूड में सब देख लो, परविंदर जी कह रहे हैं मेरा टीवी टावर कम आता, थोड़ा मोड़ो इसको मेरी तरफ। हाँ परविंदर जी यही कहेंगे हम, जाके ऊपर चेंज करवाते हैं आपके लिए थोड़ा सा। तो भाई अभी आप व्यू देख लो, अभी लेते हैं थोड़ा फोटो शूट, फिर आपको बताते हैं। तो भाई अभी आप व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रही पहाड़ी पीछे, तो यहाँ पे मंदिर है, अभी हम इस मंदिर में जाने लगे। तो भाई व्यू देख सकते हो आप, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि काफी लेट हो रहे हैं, तो शायद हम कहीं और भी जाने के लिए, मैंने आपको बोला था अगर ज्यादा लेट ना हो तो वहां भी जाएंगे। तो ठीक है ऊपर जाके देता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों यहाँ से अंदर हम अभी एंटर हुए, ये गेट है इस किले का आप कह सकते हैं, दोनों आपा दीवारें, और यहाँ पे अंदर आई थिंक पुलिस वाले रहते हैं क्योंकि प्रशासन रहता है, और आर्मी वाले शायद रहते हैं क्योंकि यहाँ पे टावर भी है काफ़ी हाइट पे। तो अभी हमने यहाँ पे बाइक पैक कर दी है, बाइक पैक नहीं किया सॉरी, पार्क कर दी है। तो हमारे परविंदर जी, वाह यार ये, हाँ हाँ भाई एक सेकेंड ये भी देख लो यार, ये दूरदर्शन का टावर है नौशहरा, ठीक है भाई। हाँ ये हाइट पे, काफी हाइट पे जगह ये। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ के किले में, तो देते हैं आपको अपडेट वापस। तो अभी ये देख सकते हो, ये किले का गेट है, मंदिर, हम भाई मंदिर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माता का मंदिर है। तो सबसे पहले जय माता की, शूज आगे उतारेंगे, थोड़ा मंदिर दूर है काफी। हाँ वो आगे जाएंगे अंदर, इसके अंदर गुफा है काफी अच्छा, मैं आपको वो गुफा भी दिखा दूंगा। तो भाई ये देख सकते हैं आप किला, ये भाई बोड़ी का पेड़ है, पिपल का पेड़ है, बोड़ी का पेड़ है, ये पिपल का पेड़ है। इस पेड़ को हम लोग काफी पूजते हैं, हर कोई पूजता है भाई, इसमें वो चीज नहीं है, ये देख रहे हो। तो राजन जी आप क्या कह रहे थे भाई, जो राजन जी हमारे कुछ बता रहे थे, राजन जी क्या होता है यहाँ से बताएंगे आप, एक मिनट आके एक्सप्लेन करेंगे हमें। ये देखो भाई काफी बड़ा किला ये, राजन जी यहाँ से क्या होता होगा आपके अंदाजे में। ये देखो भाई, ओ माय गॉड भाई, व्यू देखो यार, व्यू देखो एक बार, यहाँ क्या होता था राजन जी, इधर तोफों भी गोले जी भाई। हाँ यहाँ पे रामनवमी वाले दिन और रातों के दिन बहुत रश होता है। ये रहे भाई आगे मंदिर है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मजा आ रहा है भाई, सबको एंजॉय आ रहा है। हम पहले तो किला घूम रहे हैं, ताकि किला घूम लें अच्छे से,
तो भाई दोस्त मेरे आए हुए, मेरे साथ परविंदर, एक बार आपके साथ परविंदर आए हुए हैं, साथ में शिवाजी आए हुए हैं, शरण जी आए हुए हैं और राजन जी आए हुए हैं। भाई हर कोई ऐसे नहीं चल पड़ता भाई, किसी को कहो ना चलने के लिए, भाई नखरे बहुत करते हैं लोग, तो ये बंदे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ये मेरे साथ आए हुए हैं। देखो भाई हम आपको व्यू दिखा रहे हैं जितना दिखाया जा सकता है अच्छे से। ओके 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 भाई, तार वार गिरी हुई थी, ये डर लग रहा है काफी। तो ये व्यू देख लो आप एक बार। हाँ हाँ भाई, गवर्नमेंट को यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोकस करें ना गवर्नमेंट, तो काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, काफी अच्छा। क्या कहते हैं परविंदर जी आप? बहुत सही बात है, काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है ये। इधर आपको दिखाते हैं, ये इस किले का मेन गेट है। ओ माय गॉड भाई देख लो, इसे अगर कोई नीचे गिरा ना बचने वाला नहीं है। मेरा फोन ना भाई कहीं गिर जाए, किस्तों पे लिया हुआ। ये देख लो भाई नीचे व्यू, ये दूसरे शॉर्टकट वहां से दूसरी रोड जाती है, थोड़ी रोड खराब है ये। आर्मी की पोस्ट है। हाँ आर्मी की पोस्ट भी है नीचे। अच्छा ये नहीं, सॉरी भाई ये नहीं दिखाया जा सकता। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। ये देख लो भाई व्यू एक बार अच्छे से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, तो अभी आप देख सकते हैं ये गुफा है, अभी हम अंदर जाने लगे हैं। अभी ये साथ में मंदिर, हम अंदर से बाहर निकले, मैं आपको अंदर गुफा का व्यू। तो अभी हम गुफा के अंदर घुसते हैं, तो जय माता की। सभी जय माता की बोलो, जोर से बोलो जय माता की। तो अभी हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, तो काफी अंधेरा है, तो गुफा का इंतजाम देख सकते हैं। ओ भाई ओ भाई, काफी अंधेरा भाई, एक से मैं रोशनी चला देता हूँ, तो भाई ये देख सकते हैं आपको दिख रहा है भाई। ये देख लो, ये देख लो भाई, जोर से बोलो जय माता दी। यार तो यार सीढ़ियां आ गई थोड़ी सी, और हम जा रहे हैं ऊपर, बहुत ही अंधेरा है, समझ लीजिए। तो ये यहाँ से निकलते हैं, मैं राजन जी अभी निकल रहे हैं, काफी टाइट गुफा थी। ये हमारे शरण जी आ गए, बहुत ही मुश्किल से पहुंचे हैं। जय माता की। अभी यही अंदर, तो अभी मैंने मत्था टेक लिया है, तो अभी हमारे परविंदर जी के ऊपर मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ हवा काफी ठंडी चल रही है, और मैं आपको यहाँ का व्यू बताता हूँ भाई एक बार। बहुत ही अच्छा व्यू है यार, काफी अच्छा, ये देख लो। और ये हमारे शरण जी, हमारे राजन जी, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई माता का मंदिर है, काफी लोग आते हैं, हम काफी मानते हैं इस चीज को। ये देखो नीचे भाई, जो मैंने आपको तालाब दिखाया था नीचे, काफी ज्यादा मजा आया भाई यहाँ पे आके। और ये हमारे अभी शरण जी, राजन जी के फोटो खींचते हुए, बहुत ही प्यार से है राजन जी। राजन जी तो हर एक वीडियो में भाई फेमस है हमारे, क्योंकि राजन जी के पोज ही ऐसे हैं कि आदमी देखे बिना रह नहीं सकता। नॉटी बॉय हमारे राजन जी, छोटे से गोलू मोलू से स्माइल देख रहे हो राजन जी की। ओहो ठीक है दोस्तों, देता हूँ आपको वापस अपडेट थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे कोई पंडित जी नहीं थे, शायद हो सकता है घर पे गेहूँ खाना चाना खाने के लिए, ये मंदिर है। तो अभी हम हमारे दोस्त शिवाजी पंडित बने यहाँ के फिलहाल तो है। ओ माय गॉड भाई, चनामत मिल रहा है, चनामत है, आप एक सेकंड पकड़ोगे। तो भाई हम मानते हैं सब चीजों को भाई, तीन बार लेते हैं। ओहो मैंने पी लिया, चलो कोई बात नहीं चलता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे परविंदर जी ने काफी सपोर्ट किया है अभी, और हमारे छोटे पंडित जी कहा जा सकता है, मतलब इनको पंडित जी हमें आप तिलक लगा सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। तो तिलक लगाने वाले अभी हमारे सभी दोस्त आ गए अंदर, तो ये तिलक लगा रहे हैं मुझे भाई, एक सेकंड भाई लगा दो, भाई लगा दो तिलक लगा दो। ओहो भाई बहुत अच्छा तिलक लगाया इन्होंने, अभी ये सबको तिलक लगाने वाले हैं, तो मैं आपको उनको बताता हूँ सबको तिलक कैसे लगाइए। देखो मैं आपको, तो हमारे सुनील पंडित जी जिन्होंने अभी अभी मंगल देवी में पंडित जी का स्थान प्राप्त कर लिया है,
क्योंकि पंडित जी तो बेचारे खाना खाने घर गए थे, उनको क्या पता कि उनकी गद्दी पे कोई और आके बैठ गया, ऐसा लग रहा है। तो ये हमारे पविंदर जी बहुत स्माइल करते हैं, थोड़ा सा तिलक लगाते हुए। भैया प्रसाद भी चाहिए था हमें, हम प्रसाद के बिना घर नहीं जाते, ठीक है। और ये देखो ये चंदन रगड़ते हुए हमारे मित्र शरण जी, हमारे भोलेनाथ, तो देख सकते हैं आप प्रसाद देते हुए हमारे दोस्त एक भाई पकड़ना, मेरे प्रसाद ले लो एक सेकंड। दूसरे छुट्टी पे चले गए भाई, मजाक की बात है पर क्या करें, करना पड़ता है। अभी दोस्त हमारे आए, तिलक लगाया आपने, तिलक लगा लिए दो बार, और ठीक है। जय माता की, यहाँ पे आप जरूर आए एक बार, माता जी का इनको दिखा दें, दर्शन करवा दें। ये माता जी की मंडी है, तो यहाँ जब भी आए दर्शन करके जाएं। ये माता रानी ने बहुत लोगों की जान बचाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि इस किले पे काफी लोग, मैंने आपको बताई है ना स्टोरी, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो जय माता की, एक बार सभी बाहर जयकारा लगाएंगे सभी इकट्ठे होके। ओहो एक बार सभी बोलेंगे, जोर से बोलो माता दी, जोर से बोलो माता दी। तो देखो भाई जयकारे लग रहे हैं, तो अभी हम थोड़े यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवा लेंगे सब, तो फिर हम आपको आगे का बताते हैं क्या होता है। ये देखो इधर मंदिर में प्रॉपर केयर नहीं है, और ना ही इधर अभी पुजारी मौजूद है, और देखो डॉग ने इधर पोटी की हुई है। तो कम से कम ऐसी धार्मिक स्थानों की केयर करनी चाहिए, और बट हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो देखिए साहिल जी खुद ही कर रहे हैं क्लीन, और कभी भी जिम्मेदारी नहीं समझता कि इतनी अच्छी जगह है, वो तो है। और चाहिए कम से कम गवर्नमेंट को कि इनकी केयर करनी चाहिए रिलीजियस प्लेसेस की। हम तो करेंगे, हम तो, और देखो खुद ही वो कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। साहिल जी बहुत अच्छा है आपने जो किया अपने, कोई बात नहीं जी, ये हमारा फर्ज बनता है। ये हमारे धर्म स्थल है, माता का मंदिर होगी, कोई मस्जिद होगी, माता का मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हमारा फर्ज बनता है इनको हम साफ सुथरे रखें, क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी है, क्योंकि आगे जो न्यू जनरेशन आएगी उनको भी देखने के लिए कुछ मिले। ऐसा नहीं है भाई यहाँ पे आओ तोड़ फोड़ करो, चित्रकारियां करो, गंद डाल के जाओ, हम साफ सफाई रखेंगे, आने वाली जनरेशन भी ये देखेगी, क्योंकि ये इतना पुराना मंदिर है ना। हाँ जी, मेरे आई थिंक दादू भी बोलते हैं, उन्होंने देखा हुआ, उनसे ही पहले का मंदिर है ये, बहुत ही तो इतना पुराना मंदिर है। पुराने लोगों ने, जो हमारे मतलब एज लोग थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफी संभाल के रखा इसको। तो अब आगे हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मंदिर को संभाल के रखें, इनकी केयर करें। अगर कभी आप आ रहे हो, गंद वगैरह पड़ा हुआ है, थोड़ा आप साफ कर दोगे तो आपके हाथ नहीं घिसेंगे। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता रहता हूँ, किसके घर के पास गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, भाई धर्म मायने नहीं रखता कि इंसान का क्या धर्म है, आपके पास कुछ भी हो आप उसकी मदद करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है भाई हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, भाई कुछ नहीं होता है, मस्जिद भी एक भगवान की जगह, हम वहाँ भी जाते हैं, मैं तो जाता हूँ भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो जाता हूँ कभी कभी। तो साफ सफाई करनी चाहिए, अगर गंद पड़ा हुआ है ये निर्णय चाहिए, हिंदू का ही ऐसा है, सब जगह जाओ कुछ गंद पड़ा हुआ है साफ सफाई कर दो भाई, आपका कर्तव्य है, फर्ज है, और ये इंसानियत होती है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल जी, एक और आप व्यू देख लीजिए यहाँ का, व्यू काफी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बढ़िया व्यू है यहां का। टूरिज्म को भी जहां ध्यान देना चाहिए, टूरिज्म को आना चाहिए, मैंने कहा है डिपार्टमेंट को, मैं वीडियो में शायद इतना अच्छा नहीं दिखा पाया, पर जितना अच्छा है ना यहां पे बहुत सही है, ये बहुत ही बढ़िया भाई, देखने लायक है ये, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हैं आप। चलो ठीक है, वीडियो को ना लंबा करते हुए ज्यादा, हम यहीं पे वीडियो काटते हैं, आगे इनको। ये एक छोटा मंदिर था, अभी हमने यहाँ पे माथा टेका है, हम यहाँ गुफा से अंदर गए थे, मैंने आपको बताया था। एक और छोटा मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, जगह का व्यू देखो भाई, कितना ऑसम व्यू है जगह का। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा काफी खूबसूरत मंदिर है ये। ये देखो भाई, किला था ये, टूट गया किला, क्योंकि इतना केयर नहीं की गई इस किले की। और ये देखें भाई, अभी ये हनुमान जी का मंदिर है, पिपल के पेड़ के नीचे, खूबसूरती देखें भाई। जय श्री राम।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, देखें भाई बहुत ही खूबसूरत वाला मंदिर है, पिपल के नीचे है हनुमान जी को छाया लगती रही। वाह यार वाह, बहुत नाइस, बहुत सही मंदिर है यार। और ये हमारे अभी सुनील जी जा रहे हैं, सॉरी यार इनका नाम सुनील और शिवा दोनों है तो इसलिए दोनों नाम निकल जाते हैं इनसे। ठीक है दिखाता हूँ मैं आगे आपको कुछ और। तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बस अब हम निकलने लगे हैं, हमें दर्शन वगैरह कर लिए हैं, कहीं और जगह भी जाना है हमने इसलिए। तो ये देखो भाई पूरा किला है, ये काफ़ी अच्छा किला है, ये काफ़ी पुराने टाइम से किला, मैंने आपको बताया भी है ना मेरे दादू के टाइम का भी किला है ये। तो ये अभी हमें भाई देखो कौन मिला यार। ओहो ओहो भाई किधर, ये भाई देखो दोस्ती यारी बहुत है, ये हमारे रिटायरमेंट फंक्शन पे आए हुए थे दोस्त, एक ये हमसे मिले हैं। नाम बताया जाए आपका ही प्लीज। नाम हमारा अमित सिंह मनियार, हम सिंगर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बताएं, अपना यूट्यूब चैनल बताएं सबको। अमित सिंह अमित सिंह। और भाई क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। और ये एक और हमारा दोस्त देख रहे हो आप, किले की बर्बादी करता हुआ, किले की दीवारों में चढ़ा हुआ, किले के सीमेंट बोरता हुआ, ये भाई इस जैसे बंदे होते हैं, देख लो भाई दीवारों में चढ़ गया है। ये देश, ये हमारा देश, ये हमारा देश द्रोही है इंडिया का, इनके साथ इनका दोस्त एक साथ देता हुआ लाल कलर का फोन पकड़ के। तो भाई आप क्या चाहते हो, मतलब इधर ऊपर से बात बढ़िया भाई, क्या यहाँ पे क्या इसके अंदर, इसके अंदर क्या? ओहो हो, तो ठीक है गाइस अभी करते हैं दोस्तों यहाँ से बात। ये अभी हमें भाई देखो कौन मिला यार। ओहो ओहो भाई किधर, ये भाई देखो दोस्ती यारी बहुत है, ये हमारे रिटायरमेंट फंक्शन पे आए हुए थे दोस्त, एक ये हमसे मिले हैं। नाम बताया जाए आपका ही प्लीज। नाम हमारा अमित सिंह मनियार, हम सिंगर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बताएं, अपना यूट्यूब चैनल बताएं सबको। अमित सिंह अमित सिंह। और भाई क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। और ये एक और हमारा दोस्त देख रहे हो आप, किले की बर्बादी करता हुआ, किले की दीवारों में चढ़ा हुआ, किले के सीमेंट बोरता हुआ, ये भाई इस जैसे बंदे होते हैं, देख लो भाई दीवारों में चढ़ गया है। ये देश, ये हमारा देश, ये हमारा देश द्रोही है इंडिया का, इनके साथ इनका दोस्त एक साथ देता हुआ लाल कलर का फोन पकड़ के। तो भाई आप क्या चाहते हो, मतलब इधर ऊपर से बात बढ़िया भाई, क्या यहाँ पे क्या इसके अंदर, इसके अंदर क्या? ओहो हो, तो ठीक है गाइस अभी करते हैं दोस्तों यहाँ से बात। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि हमने कहीं और भी जाना है। तो ठीक है, जय माता की, जय माता की। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास क्योंकि अभी निकलेंगे थोड़ी देर ही तक, थोड़ी देर तक बस निकलने वाले हैं, भूख भी लगी है थोड़ी बहुत, है ना, कुछ खाते हैं कहीं रुक के भी, कोई अच्छी शॉप मिले ना, क्योंकि मंगला माता खा लेंगे बट यहाँ भी कुछ खा लेते ना थोड़ा बहुत आगे जाके, वैसे जो रिटायरमेंट है ना वो, सॉरी। तो अभी हम यहाँ से दर्शन कर चुके हैं, तो भाई मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मंगल देवी का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दूंगा, इसके आगे मैं ब्लॉग शूट करूंगा मंगला माता का, यही लोग मेरे साथ वापस जाएंगे मेरे दोस्त। तो अभी आप देख सकते हो अभी हम वापस जाने लगे हैं मंगला माता की ओर, जिसने मेरा मंगला माता वाला ब्लॉग देखना होगा ना तो भाई इसका नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो यूट्यूब चैनल पर जाके नेक्स्ट ब्लॉग देख सकता है, जैन के वाइल्ड मैन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है गाइस, ओके बाय।